इस नामकरण में बहुत बड़ा रहस्य है, आप सावधानी से सुनेंगे। आसन वर्णास्त्रयो यस्य अस्य, ये जो सांवला बच्चा है इसके तीन वर्ण हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। इसके तीन वर्ण हैं, गृहतोनु जुगम तनु अनुजुगम। प्रत्येक युग में यह शरीर प्रकट करता है। प्रत्येक युग का मतलब यहाँ सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये चार युग हैं, और चारों युगों में ये शरीर प्रकट करता है। और इसके तीन वर्ण हैं, ये तीन वर्ण से प्रकट होता है तीन युगों में, शुक्ल, रक्त तथा पीत। इदानीम कृष्णताम गतः, इदानी मतलब द्वापर है, द्वापर में यह कृष्णता को प्राप्त है, कृष्ण वर्ण का है, इसीलिए इसका नाम है कृष्ण, ये नाम दिया उन्होंने इदानीम द्वापर है। तब तीन युगों में इसके वर्ण को मिलाकर देखिए, शुक्ल में सत्ययुग में शुक्ल वर्ण, क्योंकि यहां कह रहे हैं आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहतोनु जुगम तनु, शुक्लो रक्त तथा पीत, ये तीन युग में बता रहे हैं, और द्वापर में श्याम, तो तीन युग का मिलाइए। सतयुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण और कलयुग में पीत वर्ण, द्वापर में श्याम वर्ण, तो यही पीत वर्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। भागवत प्रमाण है इसका, जिनको गौरांग कहते हैं, गौर हरि, वे साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यह नामकरण में गर्गाचार्य जिस बात का संकेत कर रहे हैं कि यह बच्चा प्रत्येक युग में प्रकट होता है, नंद बाबा इतना सुन करके भी ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है और गर्गाचार्य जी के मुख से कृष्ण की महिमा प्रकट हो रही है। यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, शुक्ल रक्त तथा पीत, इदानी मतलब द्वापरे कृष्णताम गतः, इस समय श्यामता को प्राप्त है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण।